हेलो, जी कौन? आप कौन बोल रहे हो? मैडम, मैं भीम आर्मी आजाद लक्ष्मण भाई बाड़मेरी बोल रहा हूँ। कौन भाई साहब? भीम आर्मी आजाद लक्ष्मण भाई बाड़मेरी। बोलिए भाई साहब, कौन? आपने फोन किसको लगाया है? मैंने आपको वीडियो देखा था। आप जो आपने मेघवाल समाज में जन्म लिया है और आप मेघवाल मेघवाल समाज के प्रति आप आवाज उठाते हो। आपने सुना है? मैंने सुना है कि भीम आर्मी के और भीम सेना के आप जितने भीम भी यहाँ आर्मी पे, के हाँ, हो? मैं भीम आर्मी का तो सदस्य हूँ। मैंने वहाँ मेघ वालों का नाम नहीं लिया, मैंने भीम आर्मी का नाम लिया, इसीलिए आपको ये हो रहा है आप गड़बड़। मुझे ये बताइए मैडम, आप आपको समाज का कैसे नाम अधिकार ले रहे किसने हो? दिया? किसने अधिकार आपको दिया अधिकार किसने दिया? किसने वो दिया? बेवड़ा एस एस टाइगर ने आपको अधिकार दिया क्या? बाबा साहब की वजह से आप इस कुर्सी पे बैठे हो। बाबा साहब ने शर्म किसको अधिकार शर्म आनी दिया? चाहिए आप लोगों को। मैम मैडम, आपको किसको? शर्म आनी चाहिए आपको क्या? सर सुखदेव माननी सिंह चाहिए कि घोगा मेडी ने आपको अधिकार दिया? आपको सर माननी चाहिए कि आप पहले वीडियो मेरा देख लो, पूरे आंख खोल और कान मैंने खोल के, वीडियो पूरा और देख फिर मेरे से लिया है। बात किया करो आप। एस एस टाइगर आपके साथ में खड़ा हो गया, मैं आप उसके डरने साथ में वाली नहीं वीडियो हूँ। बनाते हो। आप भले बाड़ मेरी बोलो, भले जैसलमेरी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ। आप जो ये लोग फफूंदे मेरे से बात कर रहे हो, ऐसे टाइगर को साथ में खड़ा करके आप मेघवाल समाज को डराने चाहते हो क्या? मेघवाल आपसे मेघवाल समाज की समाज मैं उनकी डरेगी? मैं मेघवालों का मैंने सम्मान वहां किया है, जाके पता है आपको? आप मेरी क्या बात बाबा सुनो बाबा मैडम, बाबा बाबा आपके भीमसेना बाबा वालों साहब ने की क्या वजह से ठगी आप ली आज इस हुआ जगह पे हो। आपको अधिकार एस एस टाइगर ने दिया। जिस है? मेरी बात मकान पर हो सुनो, आपको अधिकार किसने मेरी दिया? बात सुनिए। सुखदेव सिंह घोगा मेडी ने दिया आपको। अरे तो मेरी बात फिर आप सुनिए, बाबा मेरी साहब ज्यादा की बोल वजह रहा से है, आगे बकवास बढ़ रहे कर हो रहा और है। मेरी बात सुनिए, बदनामी बाबा साहब मेरी की कर रहे बात हो सुन आप। पहले। हाँ मैं क्या कह रही हूँ, ये भीम सेना और भीम आर्मी के क्या बाबा साहब ठेके लिए हुए हैं? बाकी के 36 कौम के ठे नहीं है बाबा साहब? सब बाबा इंसान साहब, मर बाबा गई थी, साहब, काम की थी मूसो के लिए जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई सब काम अरे मर गया। आपको नींद आई थी क्या? उसके पीछे क्या राय था? असली सामने आई तो आप भी चले गए थे वहां से, पता है मेरी ना? बात सुनिए, जितेंद्र मेघवाल आप मूसो जानते हो के ना लिए, उनसे, उसकी मैं दाढ़ी के लिए दूर ना हत्या ज्यादा की मैं गई, जानती हूँ। क्या तब जितेंद्र ऐसे मेघवाल उस क्या क्या हुआ था उनकी, जो पीछे से छच आया सामने, तो आपको पता है ना? टाइम इसलिए आप 36 काम चुपचाप हो गए कहाँ थे। पे थी मुझे ये बताइए आप। 36 कौम न्याय के साथ में खड़ी, और मैं भी न्याय के साथ में खड़ी हूँ। जो करना है वो कर लेना, पता है ना? छत्तीस काम न्याय के साथ थी। जितने बिल्कुल हम बिल्कुल न्याय रोड़ों पे क्या रो उतरे थे, रहे? जितने जहाँ 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 ये है ना, जो सच सामने आता है तो आप न्याय के भाग जाते हो, मैडम जहाँ न्याय आप मिलता है ना लोगों की वहां से आप वजह भाग जाते हो। आप आप राजनीति के मुझे चक्कर में धमकाने डराने समाज की को कोई बदनाम जरूरत ना नहीं करिए है। प्लीज। आप बदनाम मैं नहीं करिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आप कान राजनीति के खोल चक्कर के में समाज को बदनाम ना करें। राजनीति आप लोग कर रहे हो ना कि मैं कर रही हूँ? मैं तो सच्चाई के साथ में खड़ी और रहूंगी जिंदगी भर, जब तक मेरी सांस चलेगी ना, जब तक मैं सच्चाई के साथ में खड़ी हूँ। ये सुन ले दिखाना कान आगे खोल बढ़ के। के तो दिखाना आगे बढ़ के मेघवाल समाज ये पढ़ रही आपसे हूँ ना, एग्जाम मांगेगी, ठीक है? ये नहीं क्या मेघवाल समाज? मेघवाल समाज समाज क्यों कर रहे हो? पूरा नाम क्यों बदनाम करो मेघवाल समाज का? क्या सब भीम आर्मी या भीम सेना जैसे थोड़ी है? समाज समाज का पूरा ठेका ऐसा ले रखा है। खूब ऐसा अच्छे हमारे, मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, आप देख लो। ये आप जैसे लल्लू पंजू है ना, वो ये ऐसे ऐसे कर रहे हाँ, हैं। आप एस एस टाइगर की वजह से नहीं, आप एसएस अभी टाइगर का आगे आगे नाम मत बढ़ना। लो, एस एस मेरा नाम टाइगर लो। आपको अधिकार एस एस टाइगर ने दिया आपको क्या? मेरे को मेरी अधिकार आवाज पहले सुनो से ही आप, ऐसे था, तो उसको पहले से ही खड़ा था, है? पहले से ही था मेरे तो को अधिकार। आप बाबा साहब की बार अपने बार बाप दादा तो नहीं बने, अपने बाप दादा तो मंत्री नहीं बने, आप मेरे कैसे बड़े बने? हुए अपने थे, बड़े को हुए बाबा थे, साहब ने दिया था अधिकार, बड़े हुए थे, पहले भी बड़े हुए मनोवाजों थे। ने नहीं और दिया था अपने को अधिकार। बाबा साहब को अधिकार दिया था, वो किसने दिया था? अपने आप मैम मेरे को, आप मेरे को इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सब जानती हूँ इतिहास। तो इन बेवड़ों की वजह से मेरी बात समाज को ठेस सुनिए, ना पहुंचाइए आप। मेरी बात आप सुनिए इन कान बेवड़ों खोल की के, वजह से समाज को मेरी ठेस ना मेरी बात पहुंचाइए। सुनिए कान खोल के। बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार किसने दिया था? उसको सपोर्ट किसने किया ना? वो तो कान देख लो पहले, आंखें खोल के। आप मेरे को इतिहास समझा रहे हो? तो आप ये इतनी बड़ी बात कर रहे हो नहीं, तो हाँ, दिन रात मेघवाल समाज के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? वो गलत काम करेंगे तो होंगे, अभी होंगे और भी होंगे, अच्छा हजारों उनके होंगे। घर में यदि पानी पी लिया तो गलत काम हो गया क्या? किसने, मूस रख ली तो आप गलत काम किसको हो गया पानी क्या? पिलाते हो? आप जाओ हरिजनों के घर पे, बुलाओ हरिजन को अभी, और पानी पीते हो हरिजन के घर पे? पंचायती ठोक रहे हो, बड़ी आप बड़ी बातें हरिजन ठोक की रहे तो हो। बात छोड़ो, मूस रखने पे कहाँ आपत्ति है? किसी को मैं आपत्ति ये नहीं है, बताऊँ लेकिन आप वो, इनको घोड़ी पे चलने की कहाँ आपत्ति, अरे मुझे ये घोड़ी पे बताइए। क्या, घोड़ी पे चलने पे कहाँ आपत्ति आती है इनको? किसने किया मना? घोड़ी पे चढ़ो, गधे पे चढ़ो ना, कौन मना करता है? तो फिर इनको, ये अरे आप फालतू किसने की मर, अरे आप पूरे फालतू दिन की आप मत करो। रोज अखबार में आती है कि आज
फलन गांव में घोड़े पे सन्ने पे उतारा गया उनको टांग के साथ मार पीट की गई। गलती होगी, नींद का आपको नींद नहीं आती करेंगे और घोड़ी क्या गधे और ऊंट पे चढ़ जाओ, कोई मना नहीं करेगा, पता है ना हम लोगों को। आप पहले अपनी राजनीति के चक्कर में समाज को बदनाम ना करिए मैम। मैं 1% राजनीति नहीं कर रही हूँ, तुम लेके जो तुम लोगों जैसे है ना वो राजनीति कर रहे हो, और यहाँ ये झूठी राजनीति। हमारा जालौर एक शांति प्रिय जिला था और आपने ये गंदी राजनीति फैला के एक बड़ा बवंडर आपने पैदा कर दिया। बीमार भी गंदी राजनीति फैला रहे हैं, बिल्कुल गंदी राजनीति, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आप भले जैसे करना हो ना वैसे कर लेना, यही बैठी हूँ मैं, ठीक है ना। अरे हमारे को कुछ नहीं करना मैम, आप है नहीं, अरे आप राजनीति के चक्कर में समाज को बदनाम ना करे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैम, अरे मेरी बात आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपनी राजनीति अपनी जगह रखो, समाज का नाम बीच में ना लो। बात ये सुनो, समाज का नाम बीच में ना लो, आप गद्दार हो। मैंने तो समाज का 36 कौम के सामने कहा भी है कि व्यक्ति खराब हो सकता है लेकिन समाज खराब नहीं हो सकती, वो आपको नहीं दिख रहा है। और आपने मैंने भीम सेना और भीम आर्मी का नाम ले लिया तो आपके वो हलबली मच गई है आपके पूरे इस संगठन के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ जो गलत है वो गलत है, गलत है लेकिन आप मैम, आप जितेंद्र मेघवाल के बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई, मेघवालों के साथ इतनी अच्छा हो रहा था, आपका मुंह शुद्ध क्यों रहता है मेरे को ये बताइए। जितेंद्र मेघवाल की पूरी देख लो ना, क्या है इनकी सच्चाई सामने क्या आई है, फिर वो देखो ना क्या हुआ था उनके पहले, मूछ मूछ कर रहे हो ये, आपको आपका मूछ और मटकी दिखती है, बाकी तो कोई नहीं दिखती है। उनकी बात तो 50 लाख पे अटकी है, गोली उसकी बाप की है क्या, गोली उनके बाप की है क्या, क्या राजनीति कर रहे हैं पे, गोली उनके बाप की है क्या, क्या तो तुम्हारी क्या बात की है, कोई भी तुम्हारी क्या बात की है, सबका अधिकार है। नहीं नहीं ये